हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल व्हाट्स एंड हाउ में आपका स्वागत है। वेलकम टू माय चैनल व्हाट्स एंड हाउ। टुडे आई एम गोइंग टू शो यू हाउ टू कॉन्फ़िगर प्रिंट सर्वर एंड कनेक्ट इट टू द क्लाइंट मशीन, और उसको आप कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे और नेटवर्क प्रिंटर को आप कैसे इंस्टॉल करेंगे। विंडोज सर्वर 2012 में यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ प्रिंट सर्वर को कॉन्फ़िगर करने के लिए। सबसे पहले हमें सर्वर मैनेजर में जाना है, टूल्स में जाकर के। सर्वर मैनेजर में जाने के बाद यहाँ पे आप आएंगे तो कॉन्फ़िगर दिस लोकल सर्वर का ऑप्शन आएगा। ऐड रोल्स एंड फीचर का ऑप्शन यहाँ पे आप दिखेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको रोल बेस और फीचर बेस इंस्टॉलेशन पे सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको सर्वर सेलेक्ट करना है। अगर आपके पास मल्टीपल सर्वर है तो जिस सर्वर पे आपको इंस्टॉलेशन करना है प्रिंट सर्वर के लिए, उस पे आपको क्लिक कर देना। तो मेरा एक ही सर्वर है तो मैं इसी को AVSRVR को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे हमें ये सर्विस को इंस्टॉल करना है, प्रिंट एंड डॉक्यूमेंट सर्विस को इंस्टॉल करना है। इस पर सेलेक्ट करके ऐड फीचर पे क्लिक कर देना है और हमें फिर क्लिक करना है नेक्स्ट। जब हम नेक्स्ट करेंगे तो और चीज़ें अगर इंस्टॉल करने के लिए पूछेगा कुछ सर्विसेज के लिए तो करेंगे, अदरवाइज नहीं। हमें कुछ नहीं करना है, बस प्रिंट सर्वर को इंस्टॉल करना है और हमें क्लिक कर देना है नेक्स्ट पे। ये देखिए, रीस्टार्ट डेस्टिनेशन सर्वर ऑटोमेटिकली कह रहा है कि आपका सर्वर हो सकता है कि रीस्टार्ट हो जाए इंस्टॉलेशन के बाद ऑटोमेटिक, अगर उसे ज़रूरत पड़ी तो। तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन का प्रोसेस यहाँ पे चल रहा है। ये देखिए इंस्टॉलेशन यहाँ पे, प्रिंट एंड डॉक्यूमेंट सर्विस इनेबल यू टू कस्टमाइज प्रिंट सर्वर एंड नेटवर्क प्रिंट मैनेजमेंट टास्क। ये क्या करेगा कि आप प्रिंट मैनेजमेंट और प्रिंटर को यहाँ से पूरा कॉन्फ़िगर कर सकते हैं प्रिंट सर्वर के थ्रू। प्रिंट सर्वर और यहाँ पे क्लिक कर देना है इंस्टॉल पे। इसको मैं सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि अगर ज़रूरत हो तो इंस्टॉल करें, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ये देखिए, ये प्रिंट सर्वर का जो सर्विस रोल है वो यहाँ पे इंस्टॉलेशन यहाँ पे चल रहा है। तो जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक हम वेट करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप प्रिंट सर्वर को कैसे क्लाइंट मशीन पे ऐड करेंगे और एक नेटवर्क प्रिंटर को कैसे आप इंस्टॉल करेंगे। फीचर जो है यहाँ पे देखिए सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो गया है। अब हमें इसको क्लोज कर देना है और सर्वर मैनेजर को भी क्लिक कर देना है। फिर हम टूल्स में जाएंगे, टूल्स में एक ऑप्शन आएगा प्रिंट मैनेजमेंट का। टूल्स में जब आपको प्रिंट मैनेजमेंट का ऑप्शन मिलेगा और नीचे मिलेगा प्रिंट सर्वर, जैसे ही सर्विस आप इंस्टॉल करेंगे वैसे ही प्रिंट सर्वर का एक यहाँ पे आपको वो मिलेगा। ये ऊपर ड्राइवर हैं, जिस प्रिंटर हैं उस प्रिंटर के ड्राइवर को आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके नीचे जो है फॉर्म्स हैं और उसके नीचे पोर्ट है और उसके नीचे प्रिंटर्स हैं। जो भी प्रिंटर आप प्रिंट सर्वर पे अटैच करेंगे उस प्रिंटर का आप ड्राइवर भी इसी में डाल सकते हैं। राइट क्लिक करना है यहाँ पे या ऐड प्रिंटर पे क्लिक कर देना है डायरेक्टली। मुझे ये देखिए ऐड न्यू प्रिंटर एग्जिस्टिंग पोर्ट है, लेकिन मुझे इसको सेलेक्ट नहीं करना है, मैं आपको खाली दिखा रहा हूँ। मुझे एक क्रिएट करना है, एक कस्टम पोर्ट मुझे क्रिएट करना है। नीचे वाले में क्रिएट अ न्यू पोर्ट, लोकल पोर्ट मुझे कन्फिगर करना है, सॉरी सबसे पहले वाला आईपी और वेब पेज में करना है, और डिवाइस टाइप में ऑटो डिटेक्ट कर देना है और जो उस प्रिंटर का आईपी एड्रेस डाल देना है। याद रहे कि हमें सर्वर का आईपी एड्रेस नहीं डालना है, हमें प्रिंटर का आईपी एड्रेस डालना है जो प्रिंटर को मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। मैं उस प्रिंटर का आईपी मेरा 95 है, पिंग करके मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ 192.168.1.95। ये देखिए सर्वर का आईपी यहाँ पे पिंग कर रहा है, सॉरी प्रिंटर का आईपी मेरा यहाँ पे पिंग कर रहा है। इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। ये देखिए अपने आप ही इसने जो है ड्राइवर को यहाँ पे ले लिया है। तो इसमें दूसरा ऑप्शन भी मैं दिखाने की कोशिश करूँगा आपको कि आप जो हैं ये इंस्टॉलेशन हुआ, कमेंट में आपको कुछ जानना है लोकेशन या कौन सा पर, मैं यहाँ पे अपर ग्राउंड फ्लोर कर देता हूँ या ग्राउंड फ्लोर कर देता हूँ, और लोकेशन में कुछ डालना है तो डाल दीजिए, अदरवाइज आपकी मर्जी। यहाँ पे आप लोकेशन डाल देंगे और शेयर करना है इस प्रिंटर को। यह ध्यान रहे कि हमें इसको शेयर करना पड़ेगा तभी दूसरे लोग इसको कनेक्ट कर पाएंगे। और क्लिक करिए, देखिए पूरी प्रिंटर की डिटेल, और नेक्स्ट करके इंस्टॉलिंग प्रिंटर यहाँ पे आ रहा है। प्रिंटर जो है इंस्टॉल हो गया, फिनिश सक्सेसेड। ये देखिए यहाँ पे ये जो मैंने प्रिंटर इंस्टॉल किया, यहाँ पे प्रिंटर इंस्टॉल हो गया और यहाँ पे रेडी दिखा रहा है।
अभी किसी ने कोई प्रिंट नहीं दिया, इसलिए कोई कमांड यहाँ पे नहीं दिख रही है। प्रिंटर की जब आप जो प्रिंटर आपने सर्वर पे इंस्टॉल किया, जो प्रिंटर शेयर करना है आप उसमें क्लिक करेंगे तो पोर्ट, मैं आपको एडवांस पे जाके एक चीज़ और दिखाने की कोशिश करता हूँ कि आप अगर ड्राइवर आपका आपके उसमें, मान लो मेरे में तो ड्राइवर इंस्टॉल था, इसमें अपने आप ले लिया, अगर आपके पास में ड्राइवर नहीं है तो आप उस प्रिंटर का मॉडल कैनन चूज कर लिया, इसमें अगर वो प्रिंटर है तो चूज़ कर ले, अदरवाइज़ आप हैव अ डिस्क पे क्लिक करके आप जो हैं उस प्रिंटर का मॉडल नंबर वहाँ पे जा कर के उस प्रिंटर के मॉडल नंबर की INFI फाइल को आप ले सकते हैं। फिर क्लिक कर देना है नेक्स्ट पे और फिनिश। ये देखिए जो ड्राइवर मुझे इंस्टॉल करना था उस ड्राइवर को भी मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया है। ये प्रॉपर्टीज में जाके आपको पोर्ट में यहाँ पे दिखा देता हूँ, शेयरिंग ऑलरेडी मेरी इनेबल है, ये है रिमाइंड करे अगर कोई प्रिंट करे तो। अब हम आ जाते हैं सिक्योरिटी के टैब पे। सिक्योरिटी के टैब पे अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एडिट कर देना है, एवरीवन को आपको परमिशन देना है क्या क्या करने के लिए, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। मैंने एवरीवन को क्या कर दिया, प्रिंट का दे दिया और मैनेज डॉक्यूमेंट का दे देता हूँ। मैनेज दिस प्रिंटर का ऑप्शन मैं नहीं दे रहा हूँ अभी। अच्छा, एक चीज़ और भी है, अगर मैं मैनेज दिस प्रिंटर का ऑप्शन दूंगा तो जब मैं कनेक्ट करने लगूंगा तो उस टाइम पे पासवर्ड पूछेगा, तो मैंने नहीं दिया है। या आप किसी, अगर आपका एक्टिव डायरेक्टरी एनवायरनमेंट है तो आप किसी बंद को भी, किसी यूज़र को भी आप परमिशन दे सकते हैं फुल्ली वहाँ पे। सिक्योरिटी में जाके क्रिएटर ऑनर एडमिनिस्ट्रेटर और रेप्लिकेटर, ये मैं यहाँ पे एक आईडी को ऐड कर लेता हूँ, मैं आपको एक आईडी यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, किसी भी यूज़र को आप ऐड कर सकते हैं। कुमार मैंने सेट किया नहीं लिया, एक कोई भी यूज़र मैं संजय ले लेता हूँ, मान लो संजय नाम के यूज़र को मैं यहाँ पे लेके चेक इन करके उसको फुल परमिशन दे दूँगा, तो वो क्या कर सकता है कि प्रिंटर को मैनेज भी कर सकता है। तो इस तरह से आप यूज़र को परमिशन दे सकते हैं और एवरीवन को दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे मैनेज प्रिंटर का परमिशन किसी को नहीं दिया है, इसलिए जब मैं प्रिंटर को दूसरे के क्लाइंट मशीन पे कॉन्फ़िगर करूँगा तो उस टाइम मुझे पासवर्ड पूछेगा। अब मैं यहाँ पे इसको सारा को क्लोज करके एग्ज़िट कर देता हूँ। अब हम चलते हैं क्लाइंट मशीन पे, चलते हैं इंस्टॉल करने के लिए। ये मेरे पास पे विंडोज़ 7 की क्लाइंट मशीन है, प्रिंट सर्वर ऑलरेडी हमारा रेडी है, उसमें सिक्योरिटी सेटिंग भी कर दिया है, परमिशन भी दे दिया है। मेरे सर्वर का AVSRVR सर्वर का नेम है और IP 95 था, सी क्लास का मैंने दे रखा है। ये देखिए यहाँ पे जाना है, डबल फॉरवर्ड स्लैश लगा करके, बैकवर्ड स्लैश सॉरी लगा करके उसका नाम दे देना। ये देखिए मैंने इसी को बोला था यहाँ पे कि मैंने जो है फुल परमिशन नहीं दे रखा है, तो जब आप कनेक्ट करने लगेंगे तो उस टाइम पर आपसे ये पासवर्ड पूछेगा, तो यहाँ पे ये पासवर्ड पूछा था। अगर मैंने वहाँ पे फुल परमिशन दिया होता यू एवरीवन को तो क्या करता कि प्रिंटर डायरेक्ट आ जाता और हम उसको डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते थे। तो मैंने जो है उसको फुल परमिशन एवरीवन को नहीं दिया था, इसीलिए वो वहाँ पर जो है वो पूछ रहा है, पासवर्ड पूछ रहा है। ये मैं वही दिखाने की आपकी कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने उसको फुल परमिशन नहीं दिया था, इसीलिए वहाँ पे पासवर्ड पूछ रहा है। शेयरिंग हो रखी है लेकिन परमिशन में, ये देखिए इसमें फुल परमिशन नहीं है यहाँ पे, तो ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। एवरीवन को अलाउ मैनेज डॉक्यूमेंट और प्रिंट का ऑप्शन अलाउ है, अगर मैं इसमें यहाँ पे उसको परमिशन दे देता कि मैनेज दिस प्रिंटर, तो वो प्रिंटर भी मैनेज कर सकता था। अब यहाँ पे मैं जो है क्लाइंट मशीन, क्लाइंट की मशीन लेता हूँ और AVSRVR को कनेक्ट करता हूँ, तो पूछेगा, तो जो प्रिंट सर्वर का पासवर्ड है वो प्रिंट सर्वर का पासवर्ड डाल देंगे और प्रिंटर कनेक्ट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे, ये मेरे पास में ये विंडोज़ 8 की मशीन है, विंडोज़ 7 में मैंने आपको दिखाया था, ये विंडोज़ 8 की मशीन है। और एक चीज़ ध्यान रखना है कि रिमेंबर दिस पासवर्ड पे ना सेलेक्ट करें, ताकि खाली जो है आपका प्रिंटर ही अटैच हो, वो ना हो। आप इसमें जो है आप प्रिंटर को कंप्यूटर नेम से भी अटैच कर सकते हैं और उसकी आईपी से भी अटैच कर सकते हैं। ये देखिए मेरा AVSRVR मेरा जो है प्रिंट सर्वर का नेम है यहाँ पे,
तो वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है, ये भी SRVR। और इसका IP भी आप यहाँ पे देखेंगे तो ये IP भी आपको, ये देखिए 113 IP है इसका, तो आपको IP भी दिखा। ये 113 IP इस कंप्यूटर का है, ये देखिए 113 IP डाला, ये कनेक्ट हो गया। और इसको राइट क्लिक करके और कनेक्ट कर देना है। ये देखिए कनेक्टिंग टू, उस प्रिंटर का नाम आ रहा है, कनेक्ट हो रहा है IR3225। ये प्रिंटर मेरा इस पर कनेक्ट हो गया है। ये मेरी विंडोज़ 8 की मशीन थी। कंप्यूटर नेम से कनेक्ट करेंगे तब भी वही प्रोसेस आएगा। अब हम विंडोज़ 10 की मशीन पे आ जाते हैं। ये मेरी विंडोज़ 10 की मशीन है, इस पर भी वही कर सकते हैं, करते हैं। उस पर भी यूज़र नेम मांग रहा है क्योंकि मैंने फुल परमिशन उसको नहीं दे रखा है, एडमिनिस्ट्रेटर। और यहाँ पे राइट क्लिक और कनेक्ट, ये देखिए यहाँ पे कनेक्टिंग दिस प्रिंटर, ये कनेक्ट हो जाएगा और ये प्रिंटर डिवाइसेस के अंदर जाके ये शो करेगा आपको। ये देखिए प्रिंट हो गया। अब मैं कंट्रोल पैनल में चलता हूँ और आपको मैं कंट्रोल पैनल में दिखा देता हूँ। कंट्रोल पैनल में आ जाएंगे, चेक करते हैं। ये देखिए TDI बंदा, ये अपर ग्राउंड फ्लोर जो कमेंट मैंने डाला था, ये प्रिंटर इंस्टॉल हो गया है। विंडोज 7 की मशीन पे एक बार मैं और आपके दिखा देता हूँ, जो वहाँ पे पासवर्ड मांग रहा था। अब पासवर्ड नहीं मांग रहा क्योंकि एक बार मैं उसको पासवर्ड डाल चुका हूँ उस मशीन पे, तो क्रेडेंशियल मैनेजर के अंदर वो सेव होगा। कनेक्टिंग टू वंदना, ये देखिए अब प्रिंट और लोडिंग ड्राइवर, वहाँ पे ड्राइवर लोड कर रहा था। ये आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये देखिए लुकिंग फॉर ड्राइवर, मिल गया ड्राइवर, अब ये डाउनलोड कर रहा है। ये देखिए विंडोज 7 की मशीन पे ये वाला प्रिंटर मैंने यहाँ पे शेयर कर दिया है, सॉरी यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। तो इस तरह से आप प्रिंट सर्वर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, प्रिंट सर्वर को क्लाइंट मशीन पे इस तरह से आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये टेस्ट पेज मैंने देख दिया, दिखाता हूँ जॉब में के अंदर कोई पेंडिंग है कि नहीं। ये देखिए यहाँ पे टेस्ट पेज जा रहा है, इस स्टेटस में दिखा रहा है सेंड टू प्रिंट किया हुआ है, और वो प्रिंट कमांड जो है प्रिंटर पे चली गई है। ठीक है, विंडोज 8, विंडोज 7 और विंडोज 10 तीनों मशीन में मैंने आपको दिखाया कि प्रिंटर नेटवर्क प्रिंटर में प्रिंटर को कैसे करेंगे कॉन्फ़िगर, कनेक्ट कैसे करेंगे। सॉरी, अब मैं आज आपको अगला स्टेप इसी में कॉन्फ़िगर करने जा रहा हूँ, या मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप एक नेटवर्क प्रिंटर को इस पे कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, या एक नेटवर्क प्रिंटर जो 95 मेरा प्रिंटर है उसको डायरेक्टली विदाउट प्रिंट सर्वर यूज़ किए हुए आप प्रिंटर को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। ऐड डिवाइस किया तो ये सारे प्रिंटर मेरे पास में आ रहे हैं, लेकिन मुझे इस प्रिंटर को यहाँ से नहीं करना, मैं दूसरे तरीके से आपको बताऊँगा। ऐड लोकल प्रिंटर, क्रिएट अ न्यू पोर्ट। याद रहे कि मैं नेटवर्क प्रिंटर डायरेक्टली इंस्टॉल कर रहा हूँ, इसमें प्रिंट सर्वर का कोई भी रोल नहीं है। तो इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि नेटवर्क प्रिंटर को आप कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं IP बेस्ड प्रिंटर को। क्लिक करना है नेक्स्ट। ये डिटेक्ट कर रहा है ड्राइवर को, मैंने कर दिया रिप्लेस ड्राइवर। और मैं आपको इसमें ये भी बताऊँगा कि अगर आपके पास में ड्राइवर नहीं है तो कैसे करेंगे। ये तो इसमें ड्राइवर है तो ऐसे ले रहा है, मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ जो अभी इंस्टॉल किया मैंने। और मैं इसमें मेरे में ड्राइवर इंस्टॉल्ड है तब मैं ये आपको दिखा रहा हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ कि जब ड्राइवर आपके पास में इंस्टॉल नहीं होगा तब कैसे करेंगे। नेटवर्क प्रिंटर क्लिक करेंगे नेक्स्ट और उसका IP दिखा डाल देंगे। क्वेरी द प्रिंटर ऑटोमेटिकली, जो सेलेक्ट ड्राइवर है उसको मैं हटा देता हूँ। जब मैंने उसको हटा दिया तो देखिए मेरा कैनन का प्रिंटर है। अगर आपको कैनन का प्रिंटर इसमें दिखाई दे रहा है, कैनन का ड्राइवर उस मॉडल नंबर का आ रहा है, तो आपको उसको लेना है। अदरवाइज़ हैव अ डिस्क पे क्लिक करके जहाँ पे आपका ड्राइवर जो है सेव हो, या ये देखिए मेरे में यहाँ पे इसमें ड्राइवर है IR3225, ये ऊपर है तो ठीक है, सेलेक्ट कर लो। अदरवाइज़ क्लिक कर दो हैव अ डिस्क पे और नीचे क्लिक कर दो ब्राउज़ पे। ब्राउज़ पे जब आप क्लिक करेंगे तो INF फाइल मांग रहा है इसमें। मेरा एक शेयर फोल्डर पे ड्राइवर पड़ा हुआ है सॉफ्टवेयर के अंदर, ड्राइवर ये देखिए नीचे फोल्डर आ रहा है, इसको ड्राइवर को ड्राइवर, ये देखिए कैनन का जो IR3225 ड्राइवर है, ये नीचे ये ड्राइवर्स, मैं इसमें काफ़ी ड्राइवर्स हैं, मैं अभी दिखाता हूँ आपको।
ये कैनन के मैक्सिमम ड्राइवर IR सीरीज़ के इसके अंदर हैं, तो मैं इसी में से अब IR 3225 को हमें चूज़ कर लेना है। थोड़ा सा और नीचे और नहीं ऊपर गया ही रहा। हाँ, IR 3225 को मुझे यहाँ पे सेलेक्ट करके और क्लिक कर देना है यहाँ पे नेक्स्ट। रिप्लेस कर देना है मुझे, जो पुराना ड्राइवर था उससे रिप्लेस कर देना है ताकि नया ड्राइवर। अच्छा दोस्तों, इस तरह से आप नया ड्राइवर, एक तो मैंने आपको बताया था न्यू ड्राइवर एडवांस में जाके वहाँ से ड्राइवर आप चेंज कर सकते हैं, और दूसरा मैंने आपको यहाँ से बताया यहाँ से भी रिप्लेस कर सकते हैं आप ड्राइवर को, जब आप नेटवर्क प्रिंटर को या कोई और भी प्रिंटर आप इंस्टॉल कर रहे हो तब भी। तो यहाँ पर मैं एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड मांग रहा हूँ इंस्टॉल करने के लिए, मेरा एक्टिव डायरेक्टरी का जो इन्वॉल्वमेंट है, तो मैं यहाँ पर डोमेन का पासवर्ड डाल देता हूँ और मैं कर देता हूँ यस। ये देखिए यहाँ पे अब मेरा नेटवर्क प्रिंटर का इंस्टॉलेशन चल रहा है, और जब तक ये इंस्टॉल करता है तब तक हम वेट कर लेते हैं। तो इसमें मैंने तीन चीज़ें आपको कवर करके दिखाया, नेटवर्क एक प्रिंट सर्वर को कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, उठ प्रिंट सर्वर पे जो प्रिंटर शेयर्ड है उसको क्लाइंट मशीन पे कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, तीसरा मैंने आपको बताया कि आप जो है नेटवर्क प्रिंटर को कैसे करेंगे। इस पे क्लिक कर देना है डू नॉट शेयर दिस प्रिंटर को, अगर आपको शेयर करना है तो ठीक है, अदरवाइज फिनिश कर देना। टेस्ट पेज मैंने हटा दिया। देखिए ये कॉपी वन के नाम से ये नेटवर्क प्रिंटर जो है मेरा ये कॉन्फ़िगर हो गया डायरेक्टली, इसका कंट्रोल मेरे प्रिंट सर्वर से नहीं रहेगा। आपको रिमेंबर करना है कि ये जो मैंने अभी इंस्टॉल किया प्रिंट सर्वर से इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक यू। अगर आपको अच्छी लगे तो हिट करना, लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स यू, बाय बाय।